बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है तमाम देखने वाले बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। 8 दिन के बाद आज हमारा सुबह व्लॉग स्टार्ट हुआ है, जिस दिन का आप सब बहन भाइयों को इंतज़ार था, आखिरकार वो दिन आ ही गया। मतलब आज हमारी रवानगी है दुबई के लिए, तो रात तकरीबन 4 बजे तक मैं अपने हाथों पर मेहंदी लगवाती रही, 4 से 5 बजे के करीब सोई, और अभी कितना शनिवार 8 का टाइम है, चाय शाय हमने पी ली, अभी निकल रहे हैं हम पार्लर। कौन से पार्लर जा रहे हैं? मोनालिजा, डीजी खान का मशहूर पार्लर है मोनालिजा। हम वहाँ जा रहे हैं, देखते हैं कि आज हमें वो किस तरह से भूत बनाते हैं। मैं और शनावर उधर के लिए निकल रहे हैं, और बच्चे जो हैं अभी इधर शनावर के घर हैं, बच्चे वगैरह तैयार होंगे, तो अभी हम सब निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। आप सबसे गुजारिश है कि आज की वीडियो के साथ साथ रहें, और मैं उन बहन भाइयों की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतने दिन तक इंतज़ार किया वीडियो का, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। तो आप सबसे गपशप होती रहेगी, टाइम नहीं है फिलहाल, क्योंकि 11 बजे हमारी राइट टाइम इन फ्री है। अगर हम लेट हो गए तो शनावर कितने की टिकट है? ये 1,15,000 की टिकट जाया थी, जल्दी सारी बारी आंदी है, टिकट महंगा थी वेंदन मार का। देखो सरे नसीब वहाँ का गरीब है, रोजे रखिए नहीं बड़े थी गए जुलूम। चले जी साथ साथ रहे। मैं आज आई हुई हूँ सुबह सुबह मोनालिजा ब्यूटी पार्लर डीजी खान में ही, और मेन रानी बाजार में ही। अगर आप लोग आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। तो इन्होंने आज मुझे ये लुक दिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत हो गया मेरे बाल आम रूटीन से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई और कर्ली हो गए थे, और मैंने रिबाउंडिंग भी करवाई है, साथ में कैरोटीन भी करवाई है, और अच्छी प्राइस में इन्होंने करके दिया। ये देख सकती हैं, ये सुबह ही मैंने नहाने के बाद से ये मेरा लुक है, नहाने के बाद ये नेचुरल लुक आया हुआ है। हालाँकि बिल्कुल नहाने के बाद मैंने दोबारा से ऊपर स्ट्रेट वगैरह नहीं किया, बस बना ही लिए। बहुत ही खूबसूरत बाल हो गए, मुझे बहुत ज़्यादा शौक था इस तरह के बाल बनवाने का, काफ़ी अच्छे से मैं सोच रही थी कि इस तरह के बाल बनवाऊँ, नेचुरल सा लुक आया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत ये देखिए शाइनिंग वाले बाल हो गए। तो चलती हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए एयरपोर्ट की तरफ। नावर कहाँ पहुँचे हैं? हाँ मुझे बताते जाना, वो ना मैं गुम हो जाऊँ गाड़ी में बैठी बैठी। जी जनाब, तो हम टोल प्लाजे पे पहुँच चुके हैं, हमारी गाड़ी के टायर वगैरह चेक हो रहे हैं, क्योंकि जाने की जल्दी है, तो वो ना रास्ते में ही रह जाए। फिर कहते हैं जिसे ज़्यादा जल्दी हो ना, फिर अल्लाह ना करे वो लेट भी हो जाता है। सो अभी यहाँ पर खड़े हैं, आगे की जो प्रोसेस है आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप सबने हमारी आज की वीडियो के साथ साथ रहना है, और आज की वीडियो हमारी 7 डेज के बाद आ रही है। ये बैठे हैं शनावर के पापा, आज पहली बार इनको भी कैमरे में ले आए हैं हम। क्या देख रहे हो शौकत भाई? बस आपको देख रहे हैं और आपके सफर। ऐसे ऐसे घूर रहे थे चोरों की तरह, क्यों?
फिलहाल एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी है। गर्मी बहुत ज्यादा है। बोर्डिंग पास हो गई, अभी वेटिंग रूम में बैठे हैं। गुड बाय पाकिस्तान और गुड बाय माय पाकिस्तानी यूट्यूब फैमिली। दुआ कीजिएगा हमारा सफर खैरियत से हो। जहाज हमारा इस टाइम बुलंदी पर है। जहाज की अंदरूनी मनाजर चेक करें। आवाम ऐसे खामोश होकर बैठी है जैसे किसी ने एक दूसरे का कर्जा देना हो। प्यारे बहन भाइयों, हम इस टाइम एयरप्लेन में सफर कर रहे हैं। जिस तरह से आपने बैक कैमरा देख लिया होगा, ये देखिए मेरे साथ बहुत ही प्यारी सिस्टर बैठी है। कैमरे का रिजल्ट भी सही दे रहा है, लेकिन कोई नीलम नाज, ये भी यूट्यूबर है। आपने जो भी मेरे सब्सक्राइबर है इसके चैनल पर जरूर जाकर विजिट करना है। अगर इसकी वीडियोज अच्छी लगे तो उसके चैनल को सब्सक्राइब करना है। नीलम अंसारी के चैनल पे जाएं, जो मेरे सब्सक्राइबर जाएं मेरी तरफ से इनके चैनल पे, नीचे कमेंट में बताइए कि आरजे महेश की तरफ से गए हैं। ठीक है जी। ऊपर के मनाजिर देखें, ऐसे लगता है कि बादलों में चल रहा है, बल्कि बादलों से भी ऊपर चल रहा है जहाज। और खाना भी दे दिया है इन्होंने, देखती हैं क्या है खाने में। चिकन और चावल है, साथ में दही है, साथ में पेस्ट्रीज हैं, ड्रिंक्स हैं। हम नीचे उतरने वाले हैं, देख सकती हैं दुबई के नज़ारे। हमारा जो नसीब है ना, ये जो एयर ब्लू की हमें फ़्लाइट मिली है, इसके शीशे ही उन्होंने साफ़ नहीं किए। उनको इतना भी नहीं पता था कि आरजे साहिबा यहाँ आके बैठेगी और अपना व्लॉग बनाएगी। देखिए मेरे साथ दुबई आते आते ये भी नाइंसाफ़ी हो गई।
एयरपोर्ट पे लैंड कर चुकी हैं। खैर जब नीचे उतरता है तो पता चलता है कि हम कितनी 36,000 फीट की बुलंदी पर थे। मैं उदे कोई आग से चमेल उदे।